तो गाइस फाइनली एथर 450S का ऑफिशियली लॉन्च हो गया है। अब यह इलेक्ट्रिक स्कूटर एथर लाइनअप का सबसे बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाला है, जिसका प्राइस 1,29,999 रुपए आपको देखने के लिए मिलेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि ये केवल एथर की लाइनअप का ही बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में एथर एनर्जी ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। अब देखिए, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का बॉडी डिजाइन में कोई भी चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये सेम डिजाइन आपको एथर 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर का देखने के लिए मिलेगा। हालांकि कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में दोबारा से MRF ब्रांड के जिपर टायर देना स्टार्ट कर दिया है, जो कि फ्रंट और रियर में दोनों में 90x90 का टायर आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपके 12 इंची व्हील पे आपको देखने के लिए मिलता था। इसके अलावा एथर 450S इलेक्ट्रिक स्कूटर में मेरे को एक चीज अच्छी लगी कि एथर 450S बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर होने के बावजूद भी इसके फ्रंट और रियर में दोनों में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेगी। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको ओला S1 एयर इलेक्ट्रिक स्कूटर में डिस्क ब्रेक देखने के लिए नहीं मिलती। हाँ, यहाँ पे प्राइस का डिफरेंस भी है, जो कि 20,000 रुपए एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ते हैं। अब देखिए, इसके अलावा भी कुछ चेंजेस है, तो चलिए एक एक करके उन्हें भी जल्दी से चेक कर लेते हैं। इसके बाद बड़ा चेंज आपको एथर 450S इलेक्ट्रिक स्कूटर के डिस्प्ले में देखने के लिए मिलेगा, जो कि अब नॉन टच डिस्प्ले हो गया है। बट ये डिस्प्ले 20% ज्यादा ब्राइट होगा दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर के मुकाबले में। इट्स मीन कि दिन में भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिस्प्ले की विजिबिलिटी आपको क्लियर दिखाई देने वाली है। दूसरा, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको लॉन्च से पहले ही बता चुका हूं। बट इसमें नेविगेशन लगाने के लिए आपको अपना फोन ब्लूटूथ से स्कूटर से कनेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको जो भी नेविगेशन लगाने हैं, मींस आप जिस जगह पे भी जाना चाहते हैं उसका नेविगेशन आपको एथर एप्लीकेशन पे लगाना होगा। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको दिखाता रहेगा, जो कि काफी अच्छा है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आपको राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, शार्प कट, यू टर्न और आपको सर्कल्स पे भी एग्जैक्ट लोकेशन दिखा देगा, जिससे आपको नेविगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हालांकि ये नेविगेशन का फीचर केवल आपको पैक में ही देखने के लिए मिलेगा। और ये जो प्राइस 1,29,999 रुपए का प्राइस है, ये प्राइस पे आपको केवल इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलेगा। अगर आपको एथर 450S इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ प्रो पैक भी लेना है तो उसके लिए आपको 14,000 रुपए अलग से खर्चने होंगे। जी हाँ, आपको 14,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। इसी के साथ साथ अब आपको एथर 450S इलेक्ट्रिक स्कूटर में फॉल्ट डिटेक्शन भी देखने के लिए मिलेगा। इट्स मीन कि अगर आप ड्राइव करते हुए आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर गिर जाता है तो आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर की मोटर ऑटो कट हो जाएगी, आपकी मोटर बंद हो जाएगी। और इसी के साथ साथ आपके नियर बाय फैमिली मेंबर को एक इमरजेंसी मैसेज भी चला जाएगा कि आपका स्कूटर गिर गया या फिर आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गया, ताकि आपके फैमिली मेंबर आपसे कांटेक्ट कर सके। अब ये फीचर भी जो है वो एक प्रो फीचर है, इसके लिए भी आपको सेम 14,000 रुपए वाला प्रो पैक खरीदना होगा, तभी आपको ये फीचर मिलेगा। बात करो अगर इसके बैटरी पैक की, तो एथर 450S इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 2.9 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी पैक मिलेगा, जिससे आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर 115 किलोमीटर की ITC रेंज प्रोवाइड कर देता है। अगर बात करूं मैं इसकी ट्रू रेंज की, तो देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में कैलकुलेट करके भी दिखाया था, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको मैक्सिमम 80-85 किलोमीटर की ट्रू वर्ल्ड रेंज प्रोवाइड कर सकता है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, वो वीडियो वो चेक कर सकते हैं। मैं लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि यही इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च नहीं हुआ, एथर एनर्जी ने एक और इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है। अब वो इलेक्ट्रिक स्कूटर एक मिडल इलेक्ट्रिक स्कूटर रहता है, क्योंकि उस इलेक्ट्रिक स्कूटर में एथर 450S का बैटरी पैक, जी हाँ, 2.9 किलोवाट आवर का लिथियम बैटरी पैक यूज किया गया है। बाकी सारी चीजें आपको एथर 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर की देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए, ये जो तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर है, अब इसका प्राइस भी चेक कर लेते हैं कि तीनों का प्राइस कितना होगा। और इसी के साथ साथ तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर पे आपको प्रो पैक के चार्जेस भी अलग अलग पे करने पड़ेंगे। तो गाइस, अब एथर एनर्जी के लाइनअप में आपको तीन इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने के लिए मिलते हैं। पहला है एथर 450S इलेक्ट्रिक स्कूटर, दूसरा है एथर 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर 2.9 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ, और तीसरा जो कि सबसे बड़ा भाई है वो है एथर 450X 3.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ। अब मैं बात कर लेता हूँ तीनों की प्राइसिंग की। तो जहां एथर 450S इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए आपको देने होंगे 1,29,999 रुपए, वहीं एथर 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर 2.9 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आपको देने होंगे 1,38,000 रुपए। और इसी के बाद जो सबसे बड़ा भाई है वो है एथर 450X
3.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक के लिए, इसके लिए आपको देने होंगे 144,921 रुपए। अब ये सारे प्राइसेस जो है वो एक्स शोरूम की कीमत है। अब बात कर लेते हैं तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्रो पैक की। तो जहां एथर 450S इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए आपको 14,000 रुपए प्रो पैक के लिए एक्स्ट्रा पे करने होंगे, वहीं एथर 450X 2.9 किलोवाट आवर बैटरी पैक के लिए आपको 16,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चने होंगे प्रो पैक के लिए। और सबसे आखिरी में आता है हमारा लास्ट वर्जन जो कि सबसे बड़ा भाई है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे 23,000 रुपए प्रो पैक के लिए। अब इसी के बाद बात कर लेते हैं इन तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के चार्जर की भी। तो जहां एथर 450S और एथर 450X 2.9 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाले स्कूटर के साथ आपको सेम 250 वॉट का चार्जर मिलेगा, जिससे आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर लगभग 6-6.5 घंटे में 80% चार्ज होगा और 8-8.5 घंटे में 100% चार्ज होगा। इसमें आपको फास्ट चार्जर नहीं मिलेगा, इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो मिलेगा बट आपको इसमें जो चार्जर मींस होम चार्जर है वो आपको इतना ही मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे आखिरी में एथर 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर की, जिसमें 3.7 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। इसमें आपको फास्ट चार्जर मिलता है। फास्ट चार्जर की बात करूं तो इसमें केवल आपको 750 वॉट का चार्जर मिलता है, जिससे आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर 5-6 आवर में 0-100% चार्ज हो जाता है। हालांकि तीनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। अब ऐसा क्यों मिलेगा? क्योंकि हर चार्जिंग पॉइंट से अब एथर एनर्जी की कमाई होती है, इसलिए आपको सारी जगह देखने के लिए मिलेगा। अब आप लोगों को एथर 450S या एथर 450X 2.9 किलोवाट आवर में से कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर पसंद आता है, या आज भी आप ओला S1 एयर इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ जाना पसंद करेंगे? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को इस तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।